इमिग्रेशन से क्या मुराद है? अपने कंट्री से, अपने होम कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेशन करवा लेना या उनकी नेशनैलिटी ले लेना, वो इमिग्रेशन कहलाता है। इमिग्रेशन के लिए कौन से ममालिक बेहतर हैं इस वक्त? मेरे नॉलेज के मुताबिक कनाडा नंबर वन है। कनाडा को देखें, शॉर्टेज लिस्ट उनकी हर वक्त अवेलेबल रहती है नेट पे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है। यूके जो है वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करता है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह तमाम प्रोफेशंस को वेलकम करता है। नंबर वन उनके यहाँ है आईटी, नंबर टू है इंजीनियर्स, नंबर थ्री है अकाउंट्स और मैनेजमेंट के लोग हैं, और नंबर फोर है हेल्थ केयर। ये प्रोसेस जो होता है शुरू से लेकर आखिर तक, ये कितना लंबा होता है, इसमें कितना पैसा चाहिए एक आम बंदे को? ये मोस्टली जो केसेस हैं वो 7-9 मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं। अंडर 22 बच्चे कनाडा में मूव कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, प्लस और वो अनमैरिड, उनकी शादी ना हो। अगर वो भले अंडर 18 भी हैं और उनकी शादी हो गई तो वो आपकी फैमिली से निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। आज हम अपनी पॉडकास्ट में एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। आजकल तकरीबन हर शख्स मुल्क में मौजूद मसाइल की वजह से या हालात की वजह से बाहर जाने का सोचता है, और लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्तलिफ डिफरेंट जो ममालिक हैं उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, और अगर वो वहाँ जा सकते हैं तो वो वहाँ जाकर काम करें, रहें और वहाँ की इमिग्रेशन हासिल करें। इस पे आज हमने बात करनी है, क्योंकि इसी मसले के साथ जुड़े हुए बहुत से फ्रॉड भी हैं, बहुत से मसाइल भी हैं। हमने आज अपने स्टूडियो में एक बहुत एक्सपर्ट और इस मौजू के ऊपर जो बेहतरीन एक अथॉरिटी समझी जाती है, हाइब्रो लॉ एसोसिएट्स, उसके चेयरमैन राना इनामुल्ला साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। राना साहब, इमिग्रेशन का लफ्ज़ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन करें, वो क्या है, इमिग्रेशन से क्या मुराद है? थैंक यू डॉक्टर। इमिग्रेशन जो है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अपनी पॉलिसीज़ रखी हैं कि आप उनकी पॉलिसीज़ को या उनके पॉइंट्स को पूरा करके अपने कंट्री से, अपने होम कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेशन करवा लेना, अपनी इमिग्रेशन करवा लेना, या मैं उर्दू में इसको बताऊं तो हिजरत कर जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे हिजरत कर जाना और उस कंट्री को अपना होम कंट्री डिक्लेयर कर लेना। कि वो ये समझते हैं कि जी इस कंट्री में अब हम आ गए हैं और मुस्तकिल हमने यहाँ वहाँ के शहरियत ले लेना या उनकी नेशनैलिटी ले लेना, वो इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा सर, इमिग्रेशन के लिए दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन से ममालिक बेहतर हैं इस वक्त, और दूसरा ये कि यहाँ से जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है, कोई अहलियत होती है, वो चीज़ें ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो बिला वजह या बगैर किसी स्किल के या बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपको अपने कंट्री में इमिग्रेशन दे दे। अब मिसाल के तौर पर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे स्किल शॉर्टेज है। ये मोस्टली ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जो उस कंट्री में शॉर्टेज लिस्ट में हो। लाइक अगर आप कनाडा को देखें तो मोस्टली कनाडा पिछले कई सालों से, 22 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ, तो मतलब वो हर फील्ड में उनको लोग रिक्वायर्ड, शॉर्टेज लिस्ट उनकी हर वक्त अवेलेबल रहती है नेट पे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है, और यूके जो है वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करता रहता है। कभी उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए और कभी उन्हें इन्वेस्टर क्लास चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है मुसलसल स्किल्ड लोगों को ऑफर करते रहते हैं। तो इस वक्त बेहतरीन मुल्क कौन सा है, किस मुल्क की इमिग्रेशन आसान है और फ़ायदा मंद है? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मेरे नॉलेज के मुताबिक कनाडा नंबर वन है, उसकी बेशुमार वजूहात हैं। नंबर वन ये कि उनकी जो स्किल शॉर्टेज लिस्ट है उसमें बेशुमार प्रोफेशंस आ रहे हैं, उसमें हेल्थ केयर भी है, उसमें स्टेम कैटेगरी है जिसमें इंजीनियर्स हैं और ये मैथमेटिक्स के लोग हैं, दूसरा उनका ट्रांसपोर्टेशन का एक फील्ड है उसमें उन्हें लोग चाहिए, तीसरा उनका एग्रीकल्चर और फूड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसमें उन्हें लोग चाहिए,
ये सब। और इसके अलावा ट्रेड कैटेगरी है, ट्रेड में भी उन्हें लोग चाहिए। ये ऐसी शॉर्टेज लिस्ट है जो हाईली डिमांड में है, और पाकिस्तान में ये सारे प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दें। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एक तो उनकी एजुकेशन उसके लेवल पे हो, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो है आर्ट्स या उसका एक नेमल बदल आ गया है पीटीई कोर, वो अगर आपने कर रखा है। इसके अलावा आपका रेलिवेंट फील्ड में मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड के आप स्पेशलिस्ट हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, मतलब हेल्थ में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, स्टेम कैटेगरी में जा रहे हैं, या ट्रेड में जा रहे हैं, या एग्री फूड वगैरह में जा रहे हैं, तो उसमें आपका रेलिवेंट फील्ड में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी डिमांड लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह तमाम प्रोफेशंस को वेलकम करता है। नंबर 1 उनके यहाँ है IT, नंबर 2 है इंजीनियर्स, नंबर 3 है हमारे जो अकाउंट्स और मैनेजमेंट के लोग हैं, और नंबर 4 है हेल्थ केयर, वहाँ भी हेल्थ केयर की डिमांड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर में थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि वो ये कहते हैं कि आप जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है उसका टेस्ट अपने होम कंट्री से ही पास करके आए, AMC जैसे डॉक्टर्स के लिए है, इसी तरह फार्मास्यूटिकल में अलग से है, फिजियोथेरेपिस्ट में उनकी अलग बॉडी है, तो वो आपको अपने होम कंट्री से पास करके आना है। जबकि जो कनाडा है, कनाडा की ब्यूटी ये है कि वो ये नहीं कहता कि आप अपने होम कंट्री से रेलिवेंट कोर्स पास करके आए, वो ये कह रहा है कनाडा कि आप उस कंट्री का, मतलब कनाडा का की इमिग्रेशन ले लो, कनाडा की इमिग्रेशन लेके आप वहाँ पहुँच जाए, अगर आपने उस रेलिवेंट फील्ड में काम करना है तो आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे हेल्थ फील्ड के लोग हैं वो जाके वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं, तो वो इजाज़त होती है काम बंदे को कि जब वहाँ चला जाए तो वहाँ कोई भी शोभा इख्तियार कर ले। जी, ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जाता है, भाई जब आप उस कंट्री के इमिग्रेंट हो तो आप जो मर्जी करें। अच्छा, इसकी मिसाल आप पाकिस्तान में देख लें, हमारी जो खवातीन है, आप भी खुद भी डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा कि कितनी खवातीन प्रैक्टिस करती हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं करती, वो प्रैक्टिस नहीं करती, वो कुछ और अपना कर लेती हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, अपना कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आम हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं MA, BA, या बाज़ लोगों ने PhD, MPhil, हर शख्स ने अब किया हुआ होता है, वो भी क्या इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं? जी, PhD जो हैं उनको भी एक उनकी प्रोफेशनल लिस्ट आई है हेल्थ केयर में, एजुकेशनल काउंसलर। अगर आपका MPhil, MA इंग्लिश है या इंग्लिश से रेलेवेंट है, या आपका जो MPhil है वो इसमें है 4 ईयर्स बैचलर के बाद कोई पोल साइंस में है, मतलब किसी भी आर्ट सब्जेक्ट्स में अगर आपका मास्टर या MPhil या PhD है और आपका एक्सपीरियंस एज एजुकेशनल काउंसलर है, एजुकेशनल काउंसलर में आप किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस दे सकते हैं मिनिमम 1 ईयर। अच्छा, ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, अगर आप कोई फर्स्ट टाइम कुछ और काम कर रहे हैं, XYZ जो भी है, और पार्ट टाइम अगर आप एजुकेशनल काउंसलर हैं, या पाकिस्तान में जो ज़्यादा टर्म यूज होती है वो कैरियर काउंसलर है, अगर आप एज ए कैरियर काउंसलर काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी कनाडा में अपॉर्चुनिटी। अच्छा राणा साहब, ये प्रोसेस जो होता है शुरू से लेकर आखिर तक, ये कितना लंबा होता है, इसमें कितना पैसा चाहिए एक आम बंदे को, वो चीज़ें कुछ ज़रा बताएं। जी डॉक्टर साहब, हम जो अपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं या मेरी लॉ फर्म जो एग्रीमेंट करती है, वो 1 ईयर है, जो स्किल्ड इमिग्रेशन है या जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री या FSWP फेडरल स्किल्ड वर्कर कहते हैं, तो इसका हम 1 ईयर का एग्रीमेंट करते हैं। और ये मोस्टली जो केसेस हैं वो 7, 8, 9 मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले क्लाइंट हमारे साथ आके साइन अप करते हैं, हम उसकी डिग्रीज को कनाडा से वैल्यूएशन करवाते हैं। ये जो वैल्यूएशन का टाइम है, इसमें को 2-2.5 महीने लग जाते हैं।
हम फिर क्लाइंट को ये रिकमेंड करते हैं कि आप और आपकी स्पाउस वो दोनों इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें जिसमें आईएसटी है और पीटीई कोर है जो कि 1 जनवरी से कनाडा ने एक्सेप्ट। और बच्चों के लिए भी वो ज़रूरी होता है कोर्स? नहीं, बच्चे आईएस नहीं करेंगे चाहे उनकी एज कोई भी हो। नहीं, अंडर 22 बच्चे कनाडा में मूव कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, अंडर 22 प्लस, और वो अनमैरिड हो, उनकी शादी ना हुई। अगर वो भले अंडर 18 भी हैं और उनकी शादी हो गई तो वो आपकी फैमिली से निकल गए। जो बच्चे अंडर 22 हैं, अनमैरिड हैं, वो आपके साथ कनाडा मूव कर सकते हैं। और 22 से पहले, एक दिन पहले भी अगर हमने उनकी अप्लाई कर दी है, अप्लाई कर दिया है और वो बाद में 22 प्लस हो गए हैं तो वो भी कनाडा जाएंगे, वो भी साथ जाएंगे, वो भी साथ। अच्छा, और अप्लाई सिर्फ सरबरा को करना पड़ता है? मेन एप्लीकेंट उसमें फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, दोनों लाइफ पार्टनर्स में से कोई, लाइफ पार्टनर्स में से कोई भी मेन एप्लीकेंट बन सकता है, दूसरे सारे बच्चे और स्पाउस उसके ऊपर डिपेंडेंट हो।